सरकारी अस्पतालों में मरीज खवार होने लगे। तब्दीली सरकार के 100 दिन तो मुकम्मल हो गए मगर अस्पतालों की इमरजेंसी के हालात ना बदल सके। मियो अस्पताल में डस्का की रिहायशी 50 साल शाजिया बीबी 8 रोज तक इमरजेंसी के बाहर ठंडे फर्श पर पड़ी रही लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने खबर तक ना ली। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो अस्पताल इंतजामिया ने मरीजा को इमरजेंसी में इलाज फराहम किया। माजूर मरीजा शाजिया बीबी ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन मियो अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज फराहम किया गया। किसी ने कहा सी कहते फ्री इलाज होता माड़िया बंदियां दा तां ही सा एक दिन रखिया सा ने आंदे सन असा होर मरीज लिया के पाने होंदे ने चल उठ निकल दो कह रहे इसके पास कपड़े नहीं है गंदी है मुझसे चला नहीं जाता पेम्पर लगा दियो। MS डॉक्टर ताहिर खलील का कहना था कि शाजिया बीबी को तिब्बी इमदाद के बाद ईदी होम भिजवाया गया लेकिन वर्षा की अदम मौजूदगी पर वापस भेज दिया। हमने कल भेजा ईदी होम में, यहाँ से हमारे पुलिस वाले गए हैं लेकिन आज वो आके फिर उनको छोड़ गए कि इसके साथ अटेंडेंट कोई नहीं है। जो ईदी होम्स का कहना यह है कि जब तक इसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होगा हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे। मियो अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस एक और मरीज इमरजेंसी के बाहर इलाज को तरसता रहा। लाहौर न्यूज की काविश पर गुजरात के रिहायशी बशीर को इलाज फराहम किया गया। मरीजों के लाहिकीन और शहरियों ने लाहौर न्यूज की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन मेहरान के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज।